welcome to all of you students appearing for board exam today i have selected most important 50 mcqs this will help you a lot especially the poem section we will discuss today poetic devices and some questions are from the letter to god only four or five questions rest of the questions are from all the poems सो दिस इज सटनली हेल्प यू अलॉट आई नो पोइटिक डिवाइसिस आर अल इटली बी डिफ़िकल्ट तो आज हम लोग पोइटिक डिवाइस पर uh, ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं तो फर्स्ट है देखिए वाट इज द आयरनी इन द लेसन अलेटेड टू गॉड लंच सेड आफ्टर द हेल स्ट्रोम इवेन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अस आवर पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लंच बट स्टिल हैल्प अरेन्ज मनी फॉर हिम लंच ओ ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयिज हु इन फैक्ट हेल्प हिम देर इज नो आयरनी तो इसमें देखिए ऑप्शन सी वुड भी द आंसर लंच ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयिज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम ये आयरनी है इस चैप्टर में नेक्स्ट विच लिट्रेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन दे आर न्यू कॉइंस न्यू दे आर न्यू कॉइंस इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है सिमली मेटाफर फॉर सनिफिकेशन एलिट्रेशन तो ऑप्शन बी इज द आंसर दैट इज मैटाफर वी नो हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं किसी से तो मेटाफर का यूज होता है नौ नेक्स्ट वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंजोज लेटर

Now, next, the story sets in Latin America, Australia, Europe, Africa. The an, uh, answer is option A, that is Latin America. Which poetic device has been used in the line has given my heart? First option alliteration, metaphor, oxymoron, simile. The answer would be. ऑप्शन ए दैट इज एलिट्रेशन एच साउंड रिपीट हुआ है यू नो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है एलिट्रेशन में नाउ नेक्स्ट विच पॉइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज इन सुक डाउन ऑन मी तो ऑप्शन है एजोनेंस पर्सनिफिकेशन एलिट्रेशन इंजाबमेंट तो ऑप्शन ए वुड द आंसर दैट इज एजोनेंस इसमें ओ साउंड रिपीट हुआ है दैट इज वोवेल वोवेल साउंड रिपीट होता है एजोनेंस में यू नो नाउ ऑफ वाट चेंज डज द पोइट मैंसन हीयर यहाँ पे कौन सा चेंज की बात कर रहा है पोइट चेंज ऑफ वेदर चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ सीजन चेंज ऑफ मूड ये पोएम आपका डस्ट ऑप्शनों से लिया गया है यू you नो know? तो डी ऑप्शन इज द आंसर दैट इज चेंज ऑफ मूड नेक्स्ट इज सीनेकडी इज अ पोइटिक डिवाइस दैट यूज इज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द हॉल फाइंड द यूज ऑफ सीनेकड डक्की तो सीनेक डी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक पार्ट से पूरे उसके पूरा को समझा जाता है जैसे कि व्हील से हम पूरे कार को समझते हैं तो इसमें सीनेकड डक्की का यूज कौन से लाइन में है हेज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड द वे अ क्राउड सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड यानी चेंज ऑफ मूड का मतलब लाइफ चेंज है ना तो ए वुड बी द आंसर नेक्स्ट फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज इंडलेस ग्रीड इंडलेस ग्रीड का मीनिंग कौन सा है फेवर डिजायर पैरिस डिस्ट्रक्शन ऑप्शन बी वुड बी द आंसर दैट इज डिजायर नाउ मुक टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फायर अ सिम्बॉल ऑफ फायर किस चीज़ का सिम्बॉल है लव एंड न्यू डिजायस लस्ट एंड इंडलेस डिजायर्स लव एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग रिवोल्यूशन तो यहाँ पे बी वुड वि आंसर ओके ऑप्शन बी इज द आंसर दैट इज लस्ट एंड इंडलेस डिजायर नेक्स्ट व्हाट इज आइस अ सिम्बॉल ऑफ आइस किस चीज का सिम्बॉल है लस्ट लव डिजायर है डी वुड विद आंसर हैटरड आइस रिपरजेंटरेड नाउ नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन आई होल्ड विथ दोज हो फेवर फायर होल्ड विथ दोज हुर एजोन एलिट्रेशन नन बॉथ तो यहाँ पे बॉथ हो जाएगा आंसर दैट इज डी ऑप्शन एजोनस भी है और एलिट्रेशन भी है सॉरी इट इज रॉन्ग आंसर गिवन डी नहीं ए होगा है ना ऑप्शन ए वुड बी द आंसर ओ साउंड रिपीट हो रहा है दैट इज एजोनेंस, यानी एजोनेंस वुड भी द आंसर वेर हैज पॉइंट यूज्ड परसनिफिकेशन फायर आइस अर्थ बोथ ए एंड बी तो यहाँ पे डी वुड बी द आंसर यानी बॉथ फायर एंड आइस दोनों में पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है पर्सनिफिकेशन यानी ह्यूमन फीलिंग्स को बताया जाता है तो फायर एंड आइस दोनों में क्या बताया गया है ह्यूमन फीलिंग्स को यानी फायर मतलब डिजायर और आइस मतलब हेट्र नेक्स्ट नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट इस लाइन में कौन सा डिवाइस यूज हुआ है मेटाफर इमेजरी एलिट्रेशन ऑक्सीमोरन तो ऑप्शन बी इज द आंसर दैट इज इमेजरी यानी इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह का इमेज क्रिएट होता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट तो यहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है नाउ वाट हैज परसनिफाइड इन द पोएम इस पोएम में टाइगर इन द जू ओके कौन Uh, किस चीज को पर्सनिफाई किया गया है टाइगर को फॉरेस्ट को जू ऑल ऑफ द तो ए इज द आंसर दैट इज टाइगर टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है नाउ व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल टाइगर इन अ सेल इसमें से कौन सा लाइन से पता चलता है लॉगड इन कंक्रीट सेल स्नारिंग अराउंड हाउसेस सेडो ग्रास बैरिंग हिज वाइट फेंकस तो ऑप्शन ए इज द आंसर दैट इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल नाउ नेक्स्ट नार्लिंग मीन्स नार्लिंग का मतलब क्या है बजिंग साउंड इन द जंगल साउंड टू मेक अफ्रेड द एनिमल्स साउंड इन द वाटर बॉडीज साउंड मेड बाय एनिमल्स तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर साउंड मेड बाय एनिमल नेक्स्ट नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इस लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है मेटाफर एजोनेंस ऑक्सिमोरन कॉन्सोनेंस तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर दैट इज मेटाफर मेटाफर में डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है यू you नो know? तो यहाँ पे आ, क्या कंपेयर किया गया है ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी टाइगर का जो पेड्स है जो पैर का जो गद्देदार मुलायम होता है पैर का निचला हिस्सा तो उसको बताया गया वेलवेट well की तरह यानी कंपेयर किया गया है डायरेक्ट नेक्स्ट नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स इसमें कौन सा डिवाइस का यूज किया गया है कॉन्सोनेंस एजोनेंस ऑग्जीम बॉथ ए एंड बी तो डी इज द आंसर यानी कॉन्सोनेंस भी है और एजोनेंस भी है कैसे देखिए देखिये यहाँ पे एस साउंड रिपीट हुआ है दैट इज अंसोनेट तो ये हो गया कॉन्सोनेस ओके न एजोनेस आई साउंड भी रिपीट हुआ है कई बार दैट इज अवेल सो कॉन्सोनेंस और एजोनेंस दोनों होगा ओके नेक्स्ट नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन हीज क्वाइट रेज इन हिज क्वाइट रेज इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है ऑक्सीम मेटाफर एजोनेंस ऑक्सीमोरन कॉन्सोनेंस तो डी सी वुड बी द आंसर दैट इज ऑक्सीमोरन क्वाइट रेच यू नो दो अपोजिट वर्ड एक साथ जब आते हैं दैट इज ऑक्सीमोरन नाउ वी विल डिस्कस सम मोर पोइटिक डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट एनेफरा देखिए द बॉल पॉइंट द बॉल पॉइंट से लिया गया है

रिपीट होता है जैसे वाट यहाँ पे रिपीट हुआ है तो इसको आप याद रखें एनेफोरा यानी रिपीट कंजिव लाइन में टू वर्ड्स रिपीट होता है एक साथ नाउ नेक्स्ट देखिए एजोनेंस तो क्लियर है वाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल देखिए इसमें ओ साउंड रिपीट हुआ है दैट इज एजोनेंस नेक्स्ट इमेजरी द पोएट हैज गिवन द विजुअल description merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water तो यहाँ पे image बन रहा है जब हम इस line को पढ़ते हैं तो हमारे आँखों के सामने mind में एक चित्र सा बन जा रहा है image बन जा रहा है that is imagery next repetition the word what has been repeated तो what कई बार repeat हुआ है that is repetition इसको repetition भी बोल सकते हैं anaphora भी है और repetition भी है नेक्स्ट परसोनिफिकेशन द पोएट हैज यूज द फ्रेज मेरिली बाउंसिंग फॉर द बॉल बिंग हैप्पी इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन देखिए बॉल को यहाँ बताया जा रहा है मेरिली बाउंसिंग यानी बॉल खुशी खुशी जा रहा है उछलते हुए जंप करते हुए तो बॉल तो हम मनुष्य है नहीं जो वो खुश होगा मन खुश तो हम होते हैं मनुष्य जिसमें फीलिंग्स होता है तो बॉल में तो फीलिंग्स है नहीं यानी बॉल को यहाँ मनुष्य की तरह बताया गया है क्या बताया गया है मेरीली बाउंसिंग यानी जो बॉल है वो खुशी खुशी उछलते हुए जंप करते हुए पानी में चला गया तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है मेरीली बाउंसिंग फॉर द बॉल ओके दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन नाउ इन द सेकेंड स्टांजा वी विल सी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पोइटिक डिवाइस एसिन एसिनडेंटन दैट इज एसिनटन आप इसको समझ लें अच्छी तरह से एसिनडेंटन ये एक पोएटिक डिवाइस है ओके तो इसमें क्या होता है कंजंक्शन इज मिसिंग इस डिवाइस में कंजंक्शन का यूज नहीं होता है यानी कोई भी लाइन में जहाँ पे कंजंक्शन बिना कंजंक्शन का सेंटेंस बन जाता है तो वहाँ पे एसिन डेंटन का डिवाइस ये डिवाइस यूज होता है दिस इज अ डिवाइस ओके आ सकता है आप इसको ध्यान में रखें एसिन डेंटन और डायम एन अदर बोल इज़ वर्थलेस देखिए यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ है ओके okay? तो कंजंक्शन का यूज नहीं होना एक सेंटेंस में तो वहाँ पर होता है एसिन डेंटन नाउ नेक्स्ट रिपीटेशन द वर्ड बोल हैज़ बीन रिपीटेड बोल जो वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है सो इट इज रिपीटेशन नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा एलिट्रेशन यूज हुआ है देखिए इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड रिपीटिंग रिपीटिशन ऑफ लेटर बी इन बाइज अ बोल बेक देखिए बाइज अ बोल बेक बी 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 यानी कॉन्सनेट साउंड रिपीट हुआ है सेम पॉइंट बॉल पॉइंट से है ना बाईज अ बॉल बैक बी साउंड रिपीट हुआ है कॉन्सनेंट नेक्स्ट एजनेंस पर प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द भॉवेल भोवेल साउंड रिपीट होता है एजनेंस में यू नो जैसे देखिए ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड ही इज डिस्परिट आईज देखिए ई साउंड कितना बार रिपीट हुआ है ना mm -hmm. ई साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ दैट इज अ वोवेल यानी वोवेल साउंड रिपीट होता है एजोनेन्ट्स में तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एजोनेस बॉल पोएम से ओके नाउ नेक्स्ट रिपीटेशन द वर्ड बॉल बॉल बार बार रिपीट हुआ है दैट इज रिपीटेशन ओके नाउ सिम्बोलिज्म व्हाट इज सिम्बोलिज्म हियर बॉल इज अ सिम्बॉल ऑफ चाइल्डहुड देखिए बॉल क्या है सिम्बॉल ऑफ चाइल्डहुड है है ना जिस तरह से बचपन में हम बॉल से खेलते हैं तो बचपन बॉल से सिंबोलाइज किया गया है बॉल मतलब बचपन और बचपन मतलब बॉल ठीक है तो दिस इज द सिंबल विच इफ लॉस्ट कांट बी ब्राउट बैक जिस तरह से एक बार बचपन चला जाता है तो वापस नहीं आता है उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि वो बोल चला गया यानी कौन सा बोल था वो चाइल्डहुड का बचपन का बॉल था जो चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता ना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी याद रखिए इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ फिजिकली एबसेंट पर्सन इज एड्रेस एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है एक आदमी जो वहां नहीं होता हम उसकी चर्चा करते हैं है ना जो नहीं होता वहां पे उसके बारे में हम बात करते हैं एड्रेस करते हैं जैसे देखिए द पोइट एड्रेस द बॉय हु वॉज नॉट फिजिकली प्रजेंट विथ हिम यहाँ पे उस लड़के की बात हो रहा है जो वहाँ पे नहीं था बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटल बॉय देखिए लिटल बॉय जबकि वो लड़का वहाँ पे है नहीं लेकिन पोएट उस लड़के का जिक्र करता है समझिए कि जब पोइट लिख रहा होगा इस पोएम को तो वहाँ पे लड़का था नहीं ना था यानी वहाँ नहीं था लड़का लेकिन फिर भी इस तरह से पॉइंट बात कर रहा है जैसे कि सामने वो लड़का खड़ा है तो जब भी हम कोई भी डिवाइस एपोस्ट्रोफी में जो होता है किसी को हम एड्रेस करते हैं कहीं पे भी हम बातें करते हैं तो ऐसे किसी के बारे में बात करेंगे जैसे कि वो हमारे सामने में खड़ा है सो दिस इज एपोस्ट्रोफी नाउ दिस इज फ्रॉम अ टाइगर इन द जू नेक्स्ट पॉइंट टाइगर इन द जू पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है देखिए द पोइट रिफर्स टू द टाइगर एज ही एंड नॉट इट देखिए पर्सनिफिकेशन क्या होता है नॉन लिविंग में लिविंग के जैसा करेक्टरिस्टिक्स uh, दिया जाता है तो यहाँ पे टाइगर को ही बोला जा रहा है यानी एक मनुष्य की तरह ठीक है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन नेक्स्ट मेटाफर द पॉज ऑफ टाइगर हैव बीन कंपेयर्ड विथ वेलवेट देखिए मेटाफर टाइगर uh, का जो पॉज़ है उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया डायरेक्ट तो मेटाफर हो गया ओके नाउ नेक्स्ट इन द सेंटेंसेस आर बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन ठीक है देखिए बिना कॉमा और फुल स्टफ का जो सेकेंड uh, लाइन है वो आगे बढ़ जाता है बिना कॉमा और फुल स्टफ का याद रखिए दिस इज कॉल्ड इंजामेंट नेक्स्ट इमेजरी द पोएट हैज गिवन डिटेल विजुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइगर देखिए इमेज ही स्टॉक्स इन हिज बिविडिस टाइप्स है ना इमेज एक तरह से चित्र बन जाता है ऐसा लाइन पोएट लिखता है जिससे हमारे सामने चित्र बन जाता है दैट इज इमेजरी नाउ नेक्स्ट एजोनेंस देर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवल ठीक है आई आई साउंड या कोई भी वॉयल साउंड रिपीट होता है डेट दैट इज एजोनेंस नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस देर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दैट इज सी स्टॉक्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स देखिए एस साउंड रिपीट हो रहा है सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस नेक्स्ट ऑगजीमोरन द पॉइट हेज यूज टू वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग देखिए क्वाइट रेज दोनों ऑपोजिट है मीनिंग में सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑग्जीमरन नेक्स्ट सीनेक डकी नाउ सीनेक डी अभी हम लोग बात किए थे हेयर द पोएट हैज यूज द फ्रेज विविद स्ट्राइप्स फॉर द होल बॉडी ऑफ द टाइगर देखिए विविध स्ट्राइप्स का मतलब सिर्फ वो स्ट्रेप्स की बात नहीं कर रहा है पूरे टाइगर की बात कर रहा है यानी उसके एक पार्ट से उसके पूरे पार्ट को पूरे बॉडी को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है सो इट इज़ सीनेक डकी इंजाममेंट देंटेंसेज आर बी कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स ओके इंजाममेंट में यानी टाइगर इन द जू में भी इंजाममेंट का यूज हुआ है याद रखिए ठीक है बिना कॉमा फुल स्टॉप का बिना कोई पंचुएशन मार्क्स का सेंटेंस आगे बढ़ता जा रहा है दैट इज इंजाममेंट जैसे देखिए स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग क्रास नियर द वाटर होल सी नेक्स्ट एलिट्रेशन इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स प्लम पास देखिए पी पी साउंड रिपीट हो रहा है दैट इज कॉन्सनेंट एलिट्रेशन का यूज है यहाँ पे नेक्स्ट इमेजरी द पॉइंट हेज गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आँखों के सामने जंगल घास का मैदान आ, हरी हरी जो हर एक घास होते हैं वो सारा दृश्य आ जाता है सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी नाउ नेक्स्ट है द सेंटेंसेस आर बींग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन सेम इंजाममेंट का यूज बहुत ज़्यादा है देखिए एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है ही शुड बी अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज देखिए कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है ठोके तो ये इंजाममेंट है नेक्स्ट ऑनोमेटोपिया एनोमेटोपिया नया है देख लीजिए नेचुरल साउंड इन दिस इजाद पोइट हैज यूज द वर्ड स्नारिंग जो साउंड है स्नारिंग ये नेचुरल साउंड है यानी एनिमल का साउंड है तो ये ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है याद रखिए स्नारिंग जो है वो ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है कोई भी नेचुरल साउंड जो होता है वो ऑनोमेटोपिया होता है नाउ नेक्स्ट एजोनेन्स बहुत सारा यूज हुआ है एजोनेंस का देखिए बेरिंग हिज वाइट फेंगस इज क्लोज देखिए यहाँ पे

दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एजोन एलिट्रेशन इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स यानी कॉन्सोनेट साउंड रिपीट होता है देखिए यहाँ पर लेटर एफ जो साउंड है वो रिपीट हुआ है फेवर फायर में एफ एफ रिपीट हो रहा है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन कॉन्सोनेट साउंड रिपीट होता है ना इमेज इमेजरी का यूज बहुत ज्यादा होता है देखिए इट इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंगस दैट इन्वाल्व देयर सेंसेज थ्रू आउट द स्टांजा वी इमेजिन थिंगस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विजुअल एलिमेंट्स द स्पीकर ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक सम से टेस्टेड डिजायर विच अगेन यूज आवर सेंसेज नाउ नेक्स्ट एनाफोराइज यूज इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ल्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजुकेटिव लाइन सम से देखिए सम से ये रिपीट हो रहा है It is repeated at the beginning of the lines now personification it means to give human qualities to innate objects in this poem the poet portrays that fire is capable of destruction enjambment is also used here you know the consecutive lines without uh, punctuation marks that continues so these are the important points you must remember